नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो हम नोटिफिकेशन आ चुकी है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जी हाँ दोस्तों KRCL की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल आउट करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताई है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बताया है हमने, PGCIL की तरफ से बताया है। तो आपने ये वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इन सभी की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करें। यदि आप एलिजिबल रहते हैं तो आप जरूर से उसमें अप्लाई करें और अपनी जॉब को वहाँ पर सिक्योर करें। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये रहा इनका डिटेल नोटिफिकेशन KRCL का। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट ये लेके आए हैं। बेलापुर की तरफ से नवी मुंबई में वैकेंसी होने वाली है, तो मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट निकली हुई है डिप्टी जनरल मैनेजर की, जिसमें फाइनेंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको सैलरी यहाँ पर होने वाली है 92,000 से ऊपर। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी गई है। यदि आपने CMA किया हुआ है, 5 साल के एक्सपीरियंस है आपको और 45 ईयर्स का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा एज के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम सेकंड पोस्ट की यदि बात करते हैं, वो आ रही है यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। इसमें आपको 65,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 रखी गई है। अगेन इसमें यदि आपने CA किया हुआ है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो 35 ईयर्स का मैक्सिमम इसका क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। यदि थर्ड पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है, जहां पर आपको 55,000+ आपको सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 2 रखी गई है। इसमें BCOM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया गया है। 40 साल इसकी लेटेस्ट लिमिट रखी गई है इन्होंने, ठीक है ना स्टूडेंट। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। 34,000 से ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 7 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। अगेन BCOM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर 35 ईयर्स का मैक्सिमम इसका क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट निकली हुई है ये 2 साल की इनिशियल पीरियड के लिए रखी गई है, फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके किस तरीके से आपने वहाँ पर परफॉर्मेंस दिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि आपको 2 साल तक काम करने का मौका मिल रहा है तो आप जरूर से इसमें अप्लाई करें, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट डेट इसकी जो होने वाली है वो होने वाली है 1/7, जी हाँ दोस्तों 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको इनको ईमेल देख कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। किस तरीके से आपको सारी फॉर्म को भरना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। यदि हम एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 साल का एज लिमिट दिया जाएगा SC/ST वालों को, 3 साल का OBC वालों को दिया जाएगा और 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सिलेक्शन यदि देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट मतलब इनका अलग अलग क्राइटेरिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आपको यहाँ पर लिया जाएगा थ्रू वीडियो कॉलिंग, जी हाँ दोस्तों वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और सभी नोटिफिकेशन को वहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। पूरी नोटिफिकेशन को जानने के बाद, सारे डाउट क्लियर होने के बाद ही आप फॉर्म को फिल आउट करें स्टूडेंट। यदि आपको फिर भी कोई लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना है, इसके बारे में पूरा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना है एक बार फॉर्म को फिल आउट करने से पहले, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बोर्ड टाइम लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि आप सिलेक्शन किस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आप यहाँ पर सारी चीज़ें फिल आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी ये है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल आउट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी नोटिफिकेशन है, क्या डेट है, सभी कुछ, आपका नाम, फादर्स नेम, सभी कुछ आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। यदि कोई आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है तो भी आप इस पोस्ट में बता सकते हैं। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिल आउट करना है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है कि सर हमें किस चीज़ को समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक दोस्त का यहाँ पर अप्लाई रिप्लाई देने का यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट।
तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। स्टूडेंट यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर सभी वीडियो को देखें समझें। यदि आपको कुछ लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं पर्सनल सभी दोस्तों से बात करता रहता हूँ और उनको समझाता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।